गोंडा में लोग बाढ़ से परेशान हैं। गोंडा में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा का दौरा भी किया था और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद नहीं की जा रही है। तरबगंज तहसील में बांध कटने से सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब गए हैं, लेकिन बाढ़ में डूबे गांव के लोगों की कोई मदद नहीं की जा रही है। लोगों को प्रशासन ना तो रेस्क्यू करके बाहर निकाल रही है, ना ही लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है। दिक्कत यह है साहब, घर गिर गया है और तकलीफ बहुत है, पानी भरा हुआ है घर के अंदर है, कोई कोनो को कोई कहाँ से भागे, नाव भी नहीं है और कोई कमोया धमैया है नहीं है, अकेले हैं कहाँ से, अकेले भाग ली सांप गोजर काटन बेटर है, भाग के अभी आए हैं। अभी कहाँ रह रही हो आप? अभी 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 आए हैं यहाँ बंधे पर, सारा सामान कहाँ घर पे है? यहाँ है, ये परा है, यहाँ पर परा है सड़क पर, बरसाती है नहीं, बरसाती है नहीं, ताने है ये नहीं है, तो घम मधुम घाम लगत है। प्रशासन इसके लिए क्या व्यवस्था कर रखा है, आप लोगों को क्या सहायता की अब तक? कुछ हो नहीं सहायता है अभी। कितने गांव पानी भरा था? गांव में तो भरे हैं, हमारा गांव है और गांव है तो सब इधर उधर भाग ली नहीं है, अमीन अकेले बचे कटान पर, तो कटान से हम अकेले कहाँ भाग ली, आई कोई वारिस होता तो सभी भगा देता है, कहते कि चलो भाग चली, कहाँ से भाग जाए। कैसे यहाँ पे बाढ़ आई है? बाढ़ आई है, पानी छोड़ा गया है बैराज से, पानी ज़्यादा हो गया है और बहुत परेशानी है, क्या क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, गाय बछवा सब पानी में बांधे रहे, तीसरे दिन लेके आए हैं यहाँ बंधा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, खाने हर एक चीज़ और नल घर पर बूढ़ गए हैं, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। जाँच फसल यहाँ 2000 बीघा प्रभावित है, कौन कौन फसल थी इसमें? गन्ना धान और कौन फसल होती है यहाँ, नदी लोग कहाँ पे रहते हैं? बांध पर रहते हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।